अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंफॉर्मेशन टीवी की कार सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम पंजाब की बड़ी ही मशहूर मरूफ एक ज़ात के बारे में, एक कौम के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आज की हमारी वीडियो टवाना कबीले के बारे में है। टवाना कबीला राजा करण की औलाद है, जिसकी औलाद एक अरसे तक अजमेर, बीकानेर, ढंग, मारवाड़ पर हुक्मरान रही। राजा करण के लड़के का नाम कादेव था और इसके लड़के का नाम करमदेव था। राजा करमचंद के लड़के का नाम राय शंकर था, जिसकी औलाद सियाल है, जबकि करमचंद की चौथी पश्त में राजा टवाना था, जिसकी औलाद टवाना कहलाती है। उनके बारे में दूसरा नज़रिया ये है कि धारणगढ़ के राजा शंकर के तीन लड़कों में से एक का नाम ड्यू था, जिसकी औलाद टवाना कहलाती है। तीसरा नज़रिया ये है कि सियाल राय शंकर की औलाद हैं और राजा करमचंद की औलाद में से कोई राजा टवाना नामी था, जिसकी छठी पुश्त में राय महलू था, जिसके तीन लड़कों में से एक का नाम ड्यू था और दूसरे दो लड़कों के नाम वाटू और लखू थे। ट्यू के दो लड़के मल और मोरज थे। मल की औलाद टवाने और मोरज की औलाद गप्पे कहलाते हैं। इन तीनों रवायात से यही पता चलता है कि सियाल, टवाने और गप्पे एक ही मोरज से आला की औलाद हैं। राय मेलू मुसलमान हो गया था। राय मेलू के वालद का नाम मनपाल था, जो शहाबुद्दीन के अहद में दिल्ली का बाज गुजार था। शमसुद्दीन अल्तमश के अहद में मनपाल के लड़के मेलू ने खराज देना बंद कर दिया था। इस पर जंग हुई और शाही फौज का सिपा सलार वली मोहम्मद खान मारा गया था। इसके बाद नासरुद्दीन महमूद आया और इसने इसे शिकस्त देकर दिल्ली से निकाल दिया। राय मेलू मुल्तान आ गया और मुल्तान के गवर्नर हाजी मोहम्मद खान के पास पनाह ले ली। यहाँ से ये पाक पतन आ गया और बाबा फरीदुद्दीन का शकर रहमतुल्ला के दस्ते मुबारक पर मुसलमान हुआ। राय मेलू के एक लड़के लाए लखू ने इस्लाम कबूल ना किया और अपने नाना के पास मालवा चला गया। पटियाला के हिंदू टवाने उसी राय लखू की औलाद हैं। ठट्ठा टवाना इनका बसाया हुआ शहर है। मुठ्ठा टवाना को मीर अली के लड़के अहमद खान ने आबाद किया था। भावलपुर में एक कबीला दाऊ कोतरा है, जो टवानों की शाख है। उनकी हुकूमत बखर, कुंदियाँ और थल पर थी। मुंदयाल, कक्खड़ और माजल इसी की शाखें हैं। खिजर हयात टवाना, उमर हयात टवाना, शहजादी उमर जादी टवाना अहम मशहूर शख्सियात इसी कौम से तल्लक रखती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।